जय माता दी दोस्तों, आपका दोस्त मोहित राघव फिर आपके साथ जुड़ गया है एक बार लेकर एक और मैच। इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज सेकेंड T20 की बात हम वीडियो में करने वाले हैं। भारत ने पहले T20 में कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए, जैसे सूर्य कुमार यादव को ओपन कराया, कुलदीप यादव से पहले रवि बिश्नोई को खिलाया, हर्षल पटेल से पहले खिलाया अर्शदीप सिंह को। सारे जो एक्सपेरिमेंट थे वो पेड ऑफ हुए, मतलब कि अच्छा किया सबने। वेस्टइंडीज दूसरी तरफ समझ नहीं पा रहा है कि उनको क्या कॉम्बिनेशन खिलाना चाहिए। तो क्या प्लेइंग 11 भारत का होगा, बैटिंग ऑर्डर भारत का क्या होगा, उसके अलावा वेस्टइंडीज अपने प्लेइंग 11 में क्या बदलाव कर सकता है, उस पर चर्चा करेंगे और स्मॉल लीग, मिनी ग्रैंड लीग, ग्रैंड लीग टीम बनाएंगे। ये सारी बातें हम वीडियो में करने वाले हैं, यही बात आपको समझने की है, ठीक है। चलिए, लेकिन सबसे पहले मैं मैच का प्रीव्यू शुरू करूं, उससे पहले आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि आपको ज्वाइन करना मेरा टेलीग्राम चैनल। कैसे करना है, इस वीडियो का जो सबसे ऊपर वाला कमेंट है वहां मैंने लिंक दे रखा है, उस लिंक पे क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए आप टेलीग्राम चैनल। इतनी सी बात और बहुत ही आसान काम है। अगर ऐसा नहीं कर पा रहे किसी वजह से, मान लो आपका लिंक काम नहीं कर रहा है या आपको ज्वाइन करने में दिक्कत आ रही है, आपका ब्राउजर परमिशन नहीं दे रहा है, तब क्या करें, तब ये करें कि सीधे जाएं टेलीग्राम ऐप पर, वहां जाके सर्च करें क्रिकेटोलॉजी, जो कि हमारे चैनल का नाम है, वो सर्च करिए। जब आप क्रिकेटोलॉजी सर्च करेंगे आपको बहुत सारे चैनल दिखेंगे, आपको उन फेक चैनल्स पे नहीं जाना है। क्या करना है आपको, आपको उन फेक चैनल से बच के ये वाला चैनल जिसकी डिटेल आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रही है, @mohitcricketologist यूजर नेम और 12,000 के आसपास मेंबर, ये दो चैनल, दो चीजें आपको क्रॉस मैच कर लेनी है और इसके हिसाब से आपको ज्वाइन करना है चैनल। फेक चैनल्स पे आपको नहीं जाना है, अगर इन डिटेल्स को मैच कर लेंगे तो सही चैनल पे आप आके रुकेंगे, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं इस मैच की। तो भारत का जो प्लेइंग 11 था पहले मैच में, उसमें कोई बदलाव होगा इस बात की संभावना बहुत कम है। क्या था भारत का प्लेइंग 11 पहले मैच में, देख लेते हैं एक बार। रोहित शर्मा के साथ ओपनिंग की थी सूर्य कुमार यादव ने, 3 नंबर श्रेयस अय्यर खेले थे, 4 नंबर गया था ऋषभ पंत को, हालांकि इंग्लैंड के खिलाफ ऋषभ पंत से ओपन कराया था, 5 नंबर आपका हार्दिक पांड्या, 6 नंबर दिनेश कार्तिक, उसके बाद 7 नंबर रविंद्र जडेजा, 8 नंबर रवि अश्विन, 9 भुवनेश्वर कुमार, 10 आपका बिश्नोई और 11 नंबर अर्शदीप सिंह। ये भारत का प्लेइंग 11 था। इसमें अगर बात करें तो 3 स्पिन और 2 पेस ऑप्शन थे भारत के पास, और छठे हार्दिक पांड्या, मतलब 3 पेस 3 स्पिन का कॉम्बो था। इस मैच में फिर से यही होगा, अर्शदीप 4 ओवर पूरे डालेंगे, वो अगर बहुत इजी मैच हो गया पिछले मैच की तरह तो अलग बात है, वरना भुवनेश्वर भी अपने पूरे 4 ओवर डालेंगे, रवि बिश्नोई 4 डालेंगे और उम्मीद है कि अश्विन और जडेजा से जो ओवर बचेंगे वो कट के जाएंगे हार्दिक पांड्या की तरफ, ऐसी संभावना है। मतलब हार्दिक, जडेजा और अश्विन ये तीनों मिलकर 8 ओवर डालेंगे, जबकि बिश्नोई, भुवनेश्वर और अर्शदीप ये तीनों मिलकर अपने अपने कोटा पूरा करेंगे। डैश बॉलिंग भुवनेश्वर और अर्शदीप के जिम्मे आएगी, और जो पावर प्ले की बॉलिंग है वो चूंकि कुछ लेफ्ट हैंडर होने की संभावना है ओपनिंग कॉम्बिनेशन में, तो हो सकता है रवि अश्विन की तरफ चले जाएं, और अश्विन लेफ्ट हैंडर राइट हैंडर से फर्क नहीं पड़ता, वो ऐसे प्लेयर हैं कि कभी भी आपको पावर प्ले में बॉलिंग कर सकते हैं। तो भुवनेश्वर और अर्शदीप के कुछ ओवर के साथ पावर प्ले में रवि अश्विन भी आपको ओपन करते बॉलिंग करते नजर आ सकते हैं, या फिर हार्दिक पांड्या वो विकल्प हो सकते हैं जो पावर प्ले में आपको भुवनेश्वर कुमार के साथ बॉलिंग करते दिखेंगे। बैटिंग ऑर्डर की बात करूं, जो बैटिंग ऑर्डर पिछले मैच में था वही बैटिंग ऑर्डर रहने की संभावना है, कोई बदलाव होगा इस बात की गुंजाइश बहुत कम है। चलते हैं आपका वेस्ट इंडीज के प्लेइंग 11 की तरफ। तो वेस्ट इंडीज का प्लेइंग 11 पिछले मैच में कुछ इस तरीके से था, जो आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। समरव ब्रूक्स की जगह 7 काइली मेयर्स आए थे ओपनिंग करने, 3 नंबर हेडमेयर, 4 पूरन, 5 नंबर रोमन पावेल, 6 नंबर होल्डर, 7 ओडियान, 8 आपका 7 ओडियान, 8 हल्जारी, 9 किमोपॉल, 10 अकील हुसैन और 11 नंबर आपका ओवेड मैकॉय। नॉट नेसेसरीली सेम बैटिंग ऑर्डर, बैटिंग ऑर्डर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे था। ये प्लेइंग 11 था। इसमें एक तो न्यूज ये है कि कीमो पॉल इस मैच के लिए अवेलेबल नहीं है, डोंट नो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस, लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि कीमो पॉल इज नॉट अवेलेबल फॉर दिस मैच। तो कीमो पॉल एक तो इसमें बाप चेंज होगा, बदलाव होगा, कीमो पॉल की जगह रोमारियो सेफर्ड अंदर आएंगे, डोमिनिक ड्रेक्स आएंगे, ऐसी संभावना है। दूसरा यह है कि समर ब्रुक्स की जगह ब्रेंडन किंग की वापसी हो सकती है। दो बदलाव की गुंजाइश है, इससे ज्यादा बदलाव इसमें नहीं होंगे।
बात होगी प्लेइंग 11 की, बात करूं अगर मैच से रिलेटेड कुछ अहम खिलाड़ियों की तो वो कौन हो सकते हैं। तो अर्शदीप सिंह मेरे लिए बहुत बड़े प्लेयर होने वाले हैं इस मैच में। सूर्य कुमार यादव अगर फिर से ओपन करते हैं तो बहुत बड़े प्लेयर साबित होंगे। हार्दिक पांड्या एज यूजुअल, तीन प्लेयर्स मैं पिक कर रहा हूँ ये भारत की तरफ से और वेस्ट इंडीज की तरफ से। निकोलस पूरन है, ओवेड मैकॉय है, दो प्लेयर हैं जिनको लेकर चल रहा हूँ कि ये बड़ा कर सकते हैं इस मैच में। ऑल इन ऑल बात करते हैं आपकी स्मॉल लीग टीम की, तो स्मॉल लीग टीम आपकी इस मैच में क्या होने जा रही है, लेकिन उससे पहले आपको कहाँ खेलना चाहिए और उसके साथ थोड़ी सी प्रॉफिट ट्रिक भी बताऊंगा। पहले तो ये समझिए आपको खेलना कहाँ है। तो आपको खेलना है दोस्तों कहाँ पे, विजन 11 ऐप पर। विजन 11 का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में वीडियो के, मैं टेलीग्राम पे और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, कहीं से भी क्लिक करके जुड़ जाइए विजन 11 से। अब फायदे बता देता हूँ मैं फटाफट आपको विजन 11 के क्या है। पहली बात तो लॉस कवर के लिए बेस्ट ऐप है। बैटिंग टीम बॉलिंग टीम रिवर्स फैंटेसी बना के खेल सकते हो, मतलब अच्छा ना खेल सको तो बुरा खेल के जीत सकते हो, लॉजिक यही है। दूसरी बात कि सेकंड इनिंग्स खेल सकते हो। फिर मल्टी स्पोर्ट ऐप है कि ऐसा नहीं है कि कबड्डी खेलने कहीं और फुटबॉल खेलने कहीं और जा रहे हो, ऐसा नहीं है, तो मल्टी स्पोर्ट ऐप है। उसके साथ कॉन्टेस्ट फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा है इसमें। एक रुपए से लेके 1 लाख रुपए तक का जितना आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो इस ऐप पे अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। और प्रॉफिट वाला ऐप कैसे है, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल लेके समझा देता हूं। जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो जिस दिन ये मैच है उससे एक दिन पहले शूट कर रहा हूं, मतलब संडे को, और आज संडे को टोटल 6 मैच हैं जो मैं कवर करने जा रहा हूं। मैं अपनी बताऊंगा आपको, स्कॉटलैंड न्यूजीलैंड का मैच है, जिम्बाब्वे बांग्लादेश का मैच है, उसके अलावा साउथ अफ्रीका इंग्लैंड का मैच है, एक TNPL का फाइनल है, 4 और 2 वुमेन मैच है कॉमनवेल्थ के, 6 मैच हो गए। अब मैं बहुत छोटा सा एग्जांपल आपको देके दिखाता हूँ विजन 11 का ही। विजन 11 पे लेट सपोज दो एक कॉन्टेस्ट होते हैं जिनका मैं बहुत फैन हूँ, बहुत ज्वाइन करता हूँ। एक तो 65 रुपीज की एंट्री है, 220 रुपए प्राइज मनी है, और मैं बेसिक एंट्री इसलिए लेके जा रहा हूँ कि जो छोटा इन्वेस्टर है वो भी समझ सके कि कैसे प्रॉफिट कमाया जाता है, ठीक है। अब एक तो 65 रुपए की एंट्री का हो गया, 220 रुपए उसका प्राइस बनी है, 4 मेंबर कॉन्टेस्ट। एक कॉन्टेस्ट इसमें होता है जो 60 रुपए की एंट्री होती है, 11 मेंबर कॉन्टेस्ट होता है और प्राइस बनी होती है 500, मतलब 125 रुपए के इन्वेस्टमेंट पे अगर आपने अच्छी आपकी टीम निकल गई, क्लीन स्वीप आपने किया जैसा कि हम अक्सर करते हैं, तो आपको 720 रुपए मिलेंगे, मतलब नेट प्रॉफिट आपका 600 रुपए का हो गया। अब एक बात यहां समझिए कि 8-6 मैच हैं, हमने 6 मैच में 125 के एवरेज से कितना लगाया, 750 रुपए का हमने टोटल इन्वेस्टमेंट किया, 750 रुपए हमारी जेब से गए। अगर हमने एक मैच, 6 मैच बहुत बड़ी बात होती, 6 में से सिर्फ एक मैच भी क्लीन स्वीप कर दिया, वही दो कॉन्टेस्ट जो मैं बता रहा हूं उसके अकॉर्डिंगली, उसी बेसिस पे आप अपनी एंट्री बढ़ा सकते हो, क्योंकि मैंने बताया हर एंट्री प्राइस में इसमें मिला हुआ कॉन्टेस्ट, तो कितना हो जाएगा बताइए, आपके 720 रुपए आ गए 750 लगाने के बाद, वो भी तब जब सिर्फ एक मैच आप जीते। और ऐसा तो होगा नहीं अगर मैं 6 मैच की टीम दे रहा हूं तो दोस्त सिर्फ एक ही मैच जीतो, आप कम से कम 2-3 मैच तो जरूर जीतोगे, 3-4 मैच क्लीन स्वीप रहेगा, एक आध एवरेज चला जाएगा, एक आध खराब चला जाएगा। इट मीन्स कि वो 750 रुपए की एंट्री आपको अगर आप ऐसे कॉन्टेस्ट ज्वाइन करते हो तो लगभग आपका, मेरा जो एवरेज है जैसे मैं बताता हूं, लगभग 2500 से 3000 रुपए बना देगा, मतलब इन्वेस्टमेंट का 3 से 4 गुना। तो इसी कैपिटल पे, इसी इन्वेस्टमेंट पर, इसी प्रोसेस पे काम करें। अब जिस एंट्री बेसिस पे चाहते हो उस एंट्री बेसिस पे विजन 11 में कॉन्टेस्ट दिए हुए हैं। आगे बात समझ में, अभी जुड़ो, अभी खेलो, प्रॉफिट का इतना बढ़िया फंडा मैंने बीच में बता दिया, क्योंकि पीछे काफी लॉस कवर के मेरे पास मैसेज आ रहे थे, लॉस हो रहा है, मैंने कहा चलो एक बार बता देता हूं खेलना कैसे है। ठीक, आ जाते हैं अब स्मॉल लीग टीम पे। चलिए स्मॉल लीग टीम दे बताता हूं आपको, ये देखें आप अपनी स्क्रीन पर। विकेट कीपिंग में पंत और पूरन दो ऑप्शन है, तीसरे हैं दिनेश कार्तिक। तो दिनेश कार्तिक पिछले मैच में बहुत अच्छा खेले, लेकिन चूंकि उनका बैटिंग ऑर्डर काफी पीछे है और गेम कवर काफी अनसर्टेन है, तो मैं स्मॉल लीग में उनके लिए रिस्क नहीं लेने वाला हूं। निकोलस पूरन मेरे एकमात्र विकेट कीपर होंगे और पंत की T20 फॉर्म नॉट इज गुड, तो इन दैट केस पंत काफी रहेंगे मेरे लिए, ठीक है। तीन में लेके जा रहा हूं बैटर, रोहित शर्मा, सूर्य यादव मतलब भारत की ओपनिंग जोड़ी, और उनके साथ काइली मेयर्स, दूसरा ओपनर वेस्ट इंडीज का। टोटल 3 प्लेयर, तीनों फॉर्म बेस्ड प्लेयर हैं। रोहित शर्मा को वाइस कैप्टन भी, पिछले मैच में अच्छा काम किया रोहित ने, उम्मीद है इस मैच में और एक्सेलरेट करेंगे। हालांकि जो सेंट किट की पिच है वो थोड़ी स्लो है, तो ओपनर्स अच्छा काम कर सकते हैं, मिडिल ऑर्डर थोड़ा फंसेगा,
इसलिए मैंने मिडिल ऑर्डर से बहुत ज्यादा चॉइसेस नहीं लिए। हार्दिक पांड्या के लिए ऑलराउंडर रहेंगे मेरे, उन्हीं को कैप्टन बनाया है। कम से कम 3 ओवर बॉलिंग हार्दिक से मिलेगी और 3 ओवर में विकेट्स भी मिलेंगे। ऐसी बात नहीं है, ऐसा नहीं है कि पिछले मैच की तरह सब चला जाए, विकेट्स मिलेंगे और रन भी मिलेंगे हार्दिक से। अगर भारत पहले बैटिंग करता है तो चेज करेगा तो शायद हार्दिक की उतनी बैटिंग ना आए, तो हार्दिक कैप्टन परफेक्ट चॉइस। बॉलिंग ऑप्शन 6 में से 4 भारत के प्रीमियर ऑप्शन अश्विन, भुवनेश्वर, अर्शदीप, रवि बिश्नोई। अब देखिए भुवनेश्वर और अर्शदीप का लेना इसलिए बनता है कि स्ट्राइक बॉलिंग भी करेंगे और डेथ बॉलिंग करेंगे। रवि बिश्नोई विकेट टेकिंग ऑप्शन है और अश्विन यहां एक्स फैक्टर इसलिए है क्योंकि लेफ्ट हैंडर्स कई सारे हैं इस स्क्वाड में, हेटमेयर, पूरन, मेयर्स, तो इसलिए इनको जो निकालने के लिए हमें एक ऑफ स्पिनर चाहिए वो हमारे अश्विन हो सकते हैं, इसलिए मैं अश्विन को लेके जा रहा हूं। 2 बॉलर जो बहुत सॉलिड है वेस्टइंडीज के स्क्वाड में, अकील हुसैन और रॉबर्ट मैकॉय, इन दोनों को मैं लेके जा रहा हूं। ऐसे ही आपका कॉम्बिनेशन बना, बॉलिंग फ्रेंडली, बैटिंग इतना नहीं। और बॉलिंग फ्रेंडली भारत की तरफ से क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूं कि वेस्टइंडीज चाहे जो स्कोर भले ही 250 करे वेस्टइंडीज, लेकिन विकेट 7-8 जरूर होएगा, ऐसी पूरी संभावना है। तो ये आपका स्मॉल लीग कॉम्बिनेशन हो गया। चलते मिनी ग्रैंड लीग कॉम्बिनेशन की तरफ, क्या बदलाव हुए देखें। ऋषभ पंत आगे पूरन की जगह पहला बदलाव, बैटिंग में सूर्य यादव की जगह आगे श्रेयस अय्यर और हेडमेयर आगे काइली मेयर्स की जगह से, तो 3 बदलाव ये हो गए। 1 ऑलराउंडर मैंने बढ़ा लिया और वो ऑलराउंडर कौन है, वो ऑलराउंडर है जेसन होल्डर जो कि भुवनेश्वर कुमार की जगह आई इस टीम में और उन्हीं को वाइस कैप्टन बनाया है। हालांकि फॉर्म थोड़ी दूर है इनसे फिलहाल, पहले T20 में कुछ नहीं कर पाए, उसके बाद उससे पहले 3rd ODI खेले तो उसमें भी कुछ नहीं कर पाए, लेकिन ये क्वालिटी प्लेयर है जिसकी फॉर्म एक मैच एक बॉल लगाती है बस वापस आने में, इसलिए होल्डर को वाइस कैप्टन भी बनाया है यहाँ पे। अर्शदीप को कैप्टन मैं 3 विकेट के आसपास मान के चल रहा हूँ कि अर्शदीप को इस मैच में मिलेंगे, ऐसी मुझे संभावना लग रही है, इसीलिए मैं अर्शदीप को कैप्टन बना के जा रहा हूँ। और अगर वेस्टइंडीज पहले बैटिंग करता है तब तो पक्का अर्शदीप को 3 विकेट मिलेंगे, वेस्टइंडीज चेज करता है तब ये 2 विकेट तक रुक सकती है बात, ठीक है। और अकील हुसैन और रॉबर्ट मैकॉय दोनों एज इट इज रहेंगे, बाकी बॉलिंग में कोई बदलाव नहीं, तो ज्यादा बताना भी मुनासिब नहीं, ठीक है। ये आपकी मिनी ग्रैंड लीग टीम बन गई। अब चलते हैं ग्रैंड लीग टीम की तरफ। ग्रैंड लीग टीम में कुछ बदलाव और थोड़ा रिस्क, तो उसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे थोड़ा गेम कवर पे कम, फॉर्म पे भी कॉन्सेंट्रेट किया है और थोड़ा सा एक्स फैक्टर्स को चुना है मैंने। देखें 2 विकेट कीपिंग ऑप्शन लेके जा रहा हूं मैं, दिनेश कार्तिक और निकोलस पूरन। सूर्य यादव इस टीम के कैप्टन रहेंगे, वहीं रोहित शर्मा मिसिंग है, हार्दिक पांड्या मिसिंग है, और रोहित शर्मा हार्दिक पांड्या जैसे प्लेयर मिसिंग है, तभी तो दिनेश कार्तिक की बैटिंग आएगी, इसलिए दिनेश कार्तिक को लिया, सूर्या को कैप्टन बनाया, अय्यर को लिया इसके साथ, अय्यर से एक 25-30 की पारी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, निकोलस पूरन के साथ, सैमरो ब्रूक्स जिन्होंने ओपन करी थी पिछले मैच में 20-25 रन की पारी भी खेली थी, तो एक बढ़िया चॉइस ये फिर से हो सकते हैं। रविंद्र जडेजा अकेले ऑलराउंडर इस टीम के, हार्दिक नहीं है तो हार्दिक का ना होने का जो सबसे बड़ा बेनिफिट होता है वो किसको होता है, जडेजा को। अगर हार्दिक का दिन खराब है तो जडेजा का गेम कवर अपने आप बढ़ जाता है, ये इन दोनों के बीच की का तालमेल है, इसीलिए रविंद्र जडेजा अकेले ऑलराउंडर। 5 बॉलर जिसमें अल्जारी जोसफ, ओवेड मैकॉय, अकील हुसैन की जगह अल्जारी जोसफ आए हैं यहाँ पे, तो रविचंद्रन अश्विन की जगह भुवनेश्वर कुमार को लाया गया है, अर्शदीप सिंह और रवि बिश्नोई के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं और बिश्नोई ही वाइस कैप्टन बनाएंगे क्योंकि ये 2 से 3 विकेट आपको लेकर इस मैच में दे सकते हैं और सूर्य यादव एक 60-70 की बढ़िया पारी खेल सकते हैं, तो इनको कैप्टन बनाया है। ये होगी आपकी ग्रैंड लीग टीम की कहानी, ठीक है। मेरी बात वीडियो में टीम से रिलेटेड खत्म होती है, हमारा और आपका मुलाकातों का दौर चलता रहेगा। आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन बेल दबानी है और इस मैच की अपडेटेड टीम के लिए टेलीग्राम ज्वाइन करना बेहद आवश्यक है, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दे दीजिए, टाटा बाय बाय, जय माता दी।